तो हेलो गाइस, माय नेम इज जय किशन। फिलहाल मेरे पास आ चुका है विक्टर प्रो मिनी यूपीएस फॉर वाईफाई। अगर आपके घर पे वाईफाई है, फिर सीसीटीवी है या फिर मॉनिटर है, तो आप इसको यूज कर सकते हो एज अ बैटरी बैकअप यूपीएस की तरह, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा रहता है। अगर आपके पास कोई सा भी प्रोडक्ट है जिसमें 12 वोल्ट का सप्लाई चाहिए रहता है और अगर आपके घर पे इन्वर्टर नहीं, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। चलिए फटाफट से दिखाते हैं आपको कैसा रहता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस, प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से पैकेजिंग को देखने को मिला है। तो चलिए फटाफट इसको हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलता है। और इसका प्राइस की बात करें तो ये अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे और इनके खुद के वेबसाइट पे भी आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हो पैकेजिंग वगैरह कुछ ठीक ठाक आपको देखने को मिलता है। इसका प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 1100 रुपये में ये देखने को मिलेगा। तो गाइस, बॉक्स के फ्रंट पे 12 वोल्ट मिनी यूपीएस लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो लो बैटरी लाइफ आपको मिलता है, ऑप्टिमाइज चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलता है, जीरो लैग स्विचिंग मिलता है आपको, एडवांस बैटरी प्रोटेक्शन भी मिलता है, थर्मल प्रोटेक्शन भी मिलता है, रिप्लेसेबल बैटरी भी मिलता है आपको। और कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट आपको दिखने वाला है। इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा चार्जर की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसके अंदर ही आपको चार्जर और सारे चीज़ें इसके अंदर दिया गया, ठीक है। सिंपली आप अपने वाईफाई में इसको लगाओ और इसको बोर्ड में लगाओ, जो वाईफाई है वो मस्त करके काम करेगा। आप इसको वाईफाई राउटर एंड मॉडम में लगा सकते हो, सीसीटीवी कैमरा में भी लगा सकते हो और डीटीएच सेटअप बॉक्स में भी लगा सकते हो। तो सभी चीज़ों में मैं लगा करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा जरूर से देखिए। और इस साइड की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो इसका प्राइस की बात करें तो 3300 रुपये लिखा है, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ 1100 रुपये मिलेगा। इनके वेबसाइट पर जाओगे तो ये सिर्फ आपको 1059 रुपये में देखने को मिलेगा। तो इसको हम ओपन करें तो ओपन करने के बाद हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है। तो गाइस, हमने ओपन कर लिया है, ये हमारा प्रोडक्ट है। कुछ सिस्टम को प्रोडक्ट देखने को मिलता है और इसको हम निकाले, ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी का देखने को मिलता है। और इसके अंदर आपको एक एडाप्टर भी देखने को मिलता है, ये वाला। अगर आपके पास कोई सा भी अदर प्रोडक्ट है, राउटर या फिर कुछ भी चीज़ है, उसमें ये वाला पिन लगता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हो जो मतलब ऑफिशियल है, ये वाला पोर्ट आपको देखने को मिलता है। इसमें 12 वोल्ट का आउटपुट आपको देखने को मिलता है यहाँ। और इसको आप वॉल माउंट भी कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो वॉल माउंट करने का भी सिस्टम दिया गया है। डिस्क्लेमर भी लिखा है, आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो आराम से। यहाँ पर देख सकते हो वोल्टेज के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये दिखने वाला। और वजन की बात करें तो ठीक ठाक वजन है। इसके अंदर आपको 3 सेल देखने को मिलता है, यहाँ पर LED लाइट वगैरह भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी जब इसको बोर्ड में लगाएंगे तो आपको मैं अच्छे से दिखा सकूंगा। और गाइस, बॉक्स के अंदर आपको एक थैंक यू कार्ड भी देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से है। और पीछे भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लिखा है, आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और एक प्यारा सा आपको छोटा सा यूज़र मैनुअल भी देखने को मिलता है, यहाँ पर देख सकते हो विक्टर प्रो का मिनी यूपीएस यूज़र मैनुअल है, कुछ इस तरह से आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी स्टेप से इसको यूज़ करना। तो चलिए गाइस, इसको हम बोर्ड में लगाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसका व्यवस्था है। जो भी चीज़ है सारी चीज़ आपको बताऊंगा। और यहाँ पर आपको एक केबल भी देखने को मिलता है, केबल नहीं मतलब ये बेसिकली तार जो है काफ़ी आपको बड़ा और काफ़ी लॉन्ग तार देखने को मिलता है। 2 मीटर के आसपास आपको वायर देखने को मिलता है और वायर की क्वालिटी भी ठीक ठाक है। मतलब अब ये जो वायर है मतलब ये ठीक ठाक आपको छोटा सा देखने को मिलता है। तो आप इस सिंपली इसको वॉल पे माउंट भी कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। चलिए हम फटाफट से इसको बोर्ड में लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इस प्रोडक्ट से क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं। तो गाइस, फिलहाल मैं इस यूपीएस को रूम में लेकर आ चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। और इससे हम टोटल 5 प्रोडक्ट टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर 3 प्रोडक्ट देख सकते हो, सामने मेरा एक मॉनिटर है, मॉनिटर को भी हम चलाएंगे, और मेरा जो सीसीटीवी का DVR होता है ना, उसको भी हम टेस्ट करने वाले हैं, देखते हैं कि इससे चल पाता है कि नहीं चल पाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस केबल को अपने पावर सप्लाई में डालता हूँ, यानी कि बिजली में डालता हूँ। तो गाइस, फिलहाल मैं इसको 220 वोल्ट AC में मैं इसका करंट डाल चुका हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो इसमें जो 2 लाइट है हमको देखने को मिलता है, एक जो है रेड कलर का लाइट जल रहा है और एक जो है ब्लू कलर का लाइट जल रहा है। रेड कलर का लाइट जल रहा है यानी कि इससे आप कोई भी प्रोडक्ट चालू कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अगर आप खरीद रहे हो तो इसको पहले 6 घंटे अच्छे से इसको फुल चार्ज कर लेना, फिर इसको यूज़ करना, ठीक है। तो मैंने इसको चार्ज वगैरह कर लिया है, यहाँ पर देख सकते हो मेरा मतलब राउटर है, तो यहाँ मेरे राउटर को मैंने लगाया। और गाइस, देख सकते हो मेरा राउटर जो है चालू हो चुका है। तो इसमें आपको कोई भी पावर फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा, आपका जो है राउटर प्रॉपरली चलने वाला है। आपका लाइट आए जाए, कटे, वोल्टेज कम बेस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आपका काफ़ी प्रोटेक्ट करके ये UPS रखेगा आपके अप्लायंसेस को। तो मेरा फिलहाल यहाँ पे चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। इसको मैं चालू करके ज़्यादा नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक ये प्रोडक्ट है मेरे पास, वीडियोकॉन का DTH वाला सेटअप बॉक्स, इसको भी आप चालू कर सकते हो। मेरा जो सेटअप बॉक्स है वो चालू हो जाएगा, पता नहीं कैसे चालू होता है, आई डोंट नो, क्योंकि बहुत दिन से इसको रखा हुआ है, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये भी चालू हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर पता नहीं HDMI क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर चलता है, इसमें रिचार्ज वगैरह करवाना पड़ता है, तो ये भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरा यहाँ पर CCTV कैमरा है, ये भी चल रहा है, मैं इसको यूज़ करके सारी चीज़ें देख चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटा वाला इसके अंदर पिन लगेगा, तो चलिए मैं छोटा वाला जो पिन मिला था उसको मैं लगा के फिर इसको चालू करता हूँ। तो गाइस, ये रहा अपना पिन, इसको मैं लगा देता हूँ इसमें कुछ इस तरह से, और उसके बाद शायद से ये वाला इसमें लग जाना चाहिए, लेकिन ये लग तो गया है मेरा, शायद से ये कैमरा है जो है वो चालू हो गया होगा,
ये देखो चालू हो चुका है यहाँ पर। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं लाइट को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, उसको आप देख सकते हो यहाँ पर रेड लाइट यहाँ पर जलना स्टार्ट हो चुका है। तो यानी कि ये जो सीसीटीवी कैमरा वो भी मेरा चालू हो चुका है, यानी कि इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो सीसीटीवी कैमरा में भी। और चलिए अब सबसे बड़ा चीज़ है कि मॉनिटर मेरा चल रहा है कि नहीं, इससे मैं मॉनिटर टेस्ट करने वाला हूँ। चलिए फटाक से इसको लगाते हैं फिर देखते हैं। तो गाइस फिलहाल मैंने अपने विक्टर प्रो को लगा लिया है इसके अंदर, अब देखते हैं कि यहाँ पर देख सकते हो तो इससे भी अपना चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नहीं है कि भाई इसमें लगा रहेगा तो चलेगा। चलिए मैं बिजली से अपना निकाल भी देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये विक्टर प्रो का तार है, मैंने इसको बाहर निकाल लिया है और सारे के सारे अप्लाई इस पर भी चलेगा, यानी कि डायरेक्टली चलेगा। अभी देख सकते हो मेरा मॉनिटर जो है डायरेक्टली इस पर चल रहा है, मैं आपको वापस से लाइव करके दिखा रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पर ये विक्टर प्रो का तार लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली, और एक HDMI का तार लगा है, मेरे सिस्टम में कनेक्टेड है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो मेरा मॉनिटर है भाई इस पे चल रहा है और इस पे अच्छा खासा बैकअप भी देने वाला है, ऐसा नहीं है कि भाई चलेगा नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है, मस्त चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको लाइव अपना DVR चालू करके दिखाता हूँ और मेरे घर पे CCTV कैमरा वाला लगा हुआ है। तो गाइस देख सकते हो फिलहाल मेरा CCTV कैमरा चल रहा है और ये रहा विक्टर प्रो। तो चलिए फटाफट से अभी DVR को हम पावर सप्लाई निकाल करके और इसको लगा करके दिखाते हैं कि इससे चल रहा है कि नहीं। तो गाइस ये रहा अपना DVR, चलिए DVR का पावर सप्लाई को निकालते हैं और विक्टर प्रो हमने इसके ऊपर रखा हुआ है। तो गाइस ये कुछ इस तरह, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से सेटअप किया है। तो गाइस ये अपना 12 वोल्ट वाला एडाप्टर है, जैसे इसको मैंने निकाला तो अपना जो देख सकते हो DVR ऑफ हो चुका है और जो अपना CCTV का फुटेज आ रहा था वो भी बंद हो चुका है। अब चलिए मैं इसको लगा देता हूँ इसमें, इसको देख करके। तो गाइस मैंने इसको लगा दिया इसमें और अपना DVR जो है चालू हो चुका है और मैंने पावर केबल को निकाल कर रखा हुआ है। तो गाइस फिलहाल देख सकते हो मेरा जो CCTV कैमरा है वो चालू हो चुका है इसी पे और चल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ओवरऑल ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप इस प्रोडक्ट को चाहो तो बाय कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाला है, मस्त करके काम कर रहा है, आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको वीडियो दिखा दिया। वैसे आप 12 वोल्ट का कोई भी अप्लायसेस हो, बैटरी हो, पंखा हो, वायर हो, तार हो, कुछ भी हो, बल्ब हो, वो सारी चीज़ें आराम से इससे यूज़ कर सकते हो। और गाइस इस UPS के कुछ अच्छी चीज़ें भी बता देता हूँ ताकि दूसरे UPS से ये बेटर आपको क्यों लगता है, आपको क्यों लेना चाहिए इस UPS को। इसमें आपको 6600 mAh का बैटरी मिलता है और 3 बैटरी आपको स्टेबल परफॉर्मेंस देने के लिए लगा हुआ है। कैन बी वॉल माउंट, इसको आप वॉल माउंट कर सकते हो। बिल्ट इन आपको चार्जर देखने को मिलता है, 2.5 मीटर का आपको वायर देखने को मिलता है और सपोर्ट ऑल राउटर, यानी किसी भी राउटर में आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट है जो बैटरी का वो 499 rupees पड़ता है, काफ़ी सस्ते में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाता है। स्क्रीन पे साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे ये सारे चीज़ें इसके अंदर बेस्ट है दूसरे UPS के मुकाबले। तो ठीक है चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाकी बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा Amazon, Flipkart और इनके वेबसाइट का लिंक।